दोस्तों आज की कहानी है भाभी। बहुत मुश्किल और कठिन डगर है ससुराल की। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शेरी आओ सीधर आओ जल्दी से, इतनी सारी चॉकलेट तुम लोगों ने क्यों मंगवाई? दरवाजे पर ग्रोसरी वाला चॉकलेट के ढेर सारे डिब्बे लेकर खड़ा था, जिसे देख अवनी को गुस्सा आ गया और बच्चों को बुलाने लगी। अवनी की आवाज़ पर दोनों बच्चे दौड़े आए, लेकिन चॉकलेट के डिब्बे देख हंसने लगे। क्या मम्मा आप भी ना, पहले देख तो लो कि कौन से फ्लेवर की चॉकलेट है, ये सब डार्क चॉकलेट है जो सिर्फ और सिर्फ बुआ खाती है और अभी भी कमरे में बैठी चॉकलेट ही खा रही है। शेरिया की बात सुन अवनी को होश आया, उसने जल्दी से पेमेंट किया और बच्चे से बोला कि सब चॉकलेट बुआ के पास ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। अपनी बच्चों की बुआ मतलब अपनी प्यारी इकलौती ननद सविटी के पास गई तो उसे देखकर अवनी को भी हंसी आ गई। सविटी चॉकलेट खाई जा रही थी और साथ में उसके आँखों से आंसू धारा बह रही थी। अवनी ने बच्चों को देखा, वह बुआ को देखकर मुंह दबाकर हंस रही थी। उसने इशारे से दोनों को अपने कमरे में जाने को कहा। बच्चों के जाने के बाद अवनी स्वीटी के पास बैठ गई, उसे चॉकलेट का रैपर खोलकर खाने को दिया। अवनी से चॉकलेट को हाथ में लेकर स्वीटी और जोर जोर से रोने लगी। भाभी अब मेरा क्या होगा, न मुझसे सासू जी संभल रही और न केतन, मैं उन दोनों को खुश रखने के चक्कर में खुद भी हंसना भूल गई हूँ। आपको पता है, लेकिन आपको कैसे पता होगा, मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है तो कैसे पता होगा। हाँ स्वीटी, तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन जिस रफ्तार से तुम चॉकलेट खा रही हो ये बात तो मेरी समझ में आ गई है कि तुम्हें बहुत बड़ी और भारी वाली टेंशन है, क्योंकि तुम चॉकलेट तभी खाती हो जब बहुत टेंशन में होती हो या फिर बहुत खुश। जब तुम रोते रोते चॉकलेट खा रही हो तो चलो अब बताओ परेशानी क्या। अपनी स्वीटी के होठों पर लगी चॉकलेट को पोसते हुए बोली, भाभी बहुत मुश्किल और कठिन डगर है ससुराल की, आपने कैसे सब मैनेज कर लिया, आप सबको कैसे खुश कर लेती हैं। एक दिन मैं केतन के साथ उसके दोस्त के यहाँ पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई तो मैंने मैचिंग ज्वेलरी पहन ली। केतन ने भी बहुत तारीफ की, लेकिन सासू माँ गुस्सा होने लगी कि तुमने गोल्ड ज्वेलरी क्यों नहीं पहनी और फिर एक भारी वाला सेट पहना दिया, जिसे पहनकर मैं चलती फिरती शोरूम लग रही थी। केतन ने अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहा और पार्टी में किसी दोस्त ने इनसे मजाक में कह दिया कि भाभी एंटीक पीस लग रही। फिर क्या, केतन मुझसे नाराज हो गया। अब आप बताओ भाभी इसमें मेरी क्या गलती है? सासू जी का एक और बैतू का नियम कि बड़ों के सामने खासकर ससुर के सामने बाल खोलकर नहीं आ सकती। मैं घर में अभी नहीं हुई इसलिए गृहस्थी को लेकर कोई सुझाव नहीं दे सकती। मुझसे कहा जाता कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। केतन और मुझे कहीं जाना होता तो खुद अपनी मम्मी से नहीं पूछेंगे और मैं अगर पूछने जाऊँ तो वह मना कर देती है, तभी केतन मुझसे रूठ जाते। एक बार बिना परमिशन लिए चली गई तो लौटने पर सासू जी ने बहुत हंगामा किया और केतन तब भी मुझसे नाराज़ हो गए कि मम्मी से परमिशन क्यों नहीं ली। अब आप भी बताओ भाभी कि मैं क्या करूं, माँ बेटा के बीच में मैं पीस रही, मुझे अब ससुराल जाना ही नहीं है, मैं यही ठीक हूँ आपके पास। चॉकलेट खाते खाते स्वीटी अवनी की गोद में लेट गई। अवनी ने स्वीटी के हाथ से चॉकलेट दिया और मुंह में डालते ही बोली, स्वीटी ये डार्क चॉकलेट बहुत कड़वा लगता, कैसे खाती हो तुम इसको?
अरे बाबी शुरू शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन पर जब इसकी आदत हो जाती है तो यह बहुत मीठा और अच्छा लगने लगता है। फिर कोई और फ्लेवर चॉकलेट का आपको पसंद आएगा भी नहीं। स्वीटी एकदम दार्शनिक अंदाज में बोली, शादी भी बस ऐसी ही है आपकी डार्क चॉकलेट की तरह। पहले पहले बहुत परेशानी आती है, कहीं समझौते करने पड़ते और भी बहुत कुछ ससुराल में भी सभी को समझने में थोड़ा वक्त लगता। उसी तरह उन लोगों को भी अपने साथ एंड जस्ट होने में समय लगता, लेकिन एक बार सबके दिल में जगह बना ली तो यही ससुराल सड़क से सुंदर लगने लगता है तुम्हें। अगर ससुराल में जंग जल्दी जीतनी है तो एक मूल मंत्र देती हूँ जो मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, सासू जी के दिल और दिमाग की असुरक्षा की भावना को दूर कर दो। उन्हें ये एहसास कराओ कि तुम उनकी जगह लेने नहीं आई हो बल्कि उनके सामने अपना घर बसाने आई हो। ये घर घर की कहानी है कि बहू के आने पर सास को असुरक्षा की भावना घेर लेती हैं, पूरे घर को एकजुट बनाने और अनुशासन में रखने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। और जब बहू आती है तो वह सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती, बस यही सास के मन में अपनी संता खोने और महत्व कम होने का डर सताने लगता। अपनी ने प्यार और समझदारी से स्वीटी के दिल में बसा डर कम करने की कोशिश की। स्वीटी ने मूल मंत्र को समझ केतन को फोन लगाया और फिर थोड़ी देर बाद अवनी को स्वीटी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और उसके होठों पर मुस्कान खिल गई।